आज हम अल्कोहल की अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अल्कोहल की अभिक्रिया दो तरह की होती है। पहली वे अभिक्रिया जिसमें R और OH के बीच का बंध टूटता है, दूसरी वे अभिक्रिया जिसमें R, O और H के बीच का बंध टूटता है। यानी कि पहली अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और दूसरी अभिक्रियाओं में वे अभिक्रियाएँ जिसमें एच के आने से एसिडिक गुण का प्रदर्शन होता है। पहली अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। जैसा कि हमने BSc पार्ट फर्स्ट में देखा था, पढ़ा था कि कार्बोकैटायन में तृतीयक द्वितीयक की अपेक्षा और द्वितीयक प्राइमरी की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इस अभिक्रिया में निकलने वाला OH एक अच्छा समूह नहीं है, यह आसानी से नहीं निकलता है। यदि यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है तो प्रोटीनीकरण द्वारा OH2 ग्रुप बन जाता है, जो कि एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। इसके द्वारा मुक्त कंपाउंड कार्बोकैटायन होता है। ये अभिक्रियाएं अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नायी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती हैं। हम सर्वप्रथम प्रथम रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड की अल्कोहल से रिएक्शंस देखेंगे। इसमें देखते हैं कि यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया होती है। इसमें एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड में सामान्यतः ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन का अभिक्रियाएँ देखी जाती हैं। हम जानते हैं कि तृतीयक अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, यह साधारण ताप पर ही क्रिया कर लेते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल गर्म करने पर ही या और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होते हैं। तृतीयक अल्कोहल को यदि हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो उनके उत्पाद आसानी से प्राप्त होते हैं, जबकि ब्यूटेनॉल का जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कराने पर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में भी करा लेते हैं। आयोडाइड्रेशन के लिए हम फास्फोरस आयोडाइड पर लाल फास्फोरस और आयोडीन का मिश्रण काम में लेते हैं, क्योंकि पहले पूर्व की भांति अभिक्रिया द्वारा एल्काइल आयोडाइड का निर्माण नहीं हो पाता है। यह अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद एल्काइल हैलाइड के लिए यदि हम थायोनिल क्लोराइड का उपयोग करें तो उत्पाद अच्छा प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा होती है और प्राप्त उत्पाद में HCl और SO2 गैसीय अवस्था में आसानी से बाहर निकल जाते हैं और इस कारण से एल्काइल हैलाइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। एल्कोहल का अब निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन करने पर पुनः वही मतलब कि उसके अंदर हमें प्राप्त उत्पाद में कार्बोकैटायन बनता है। यह कार्बोकैटायन के बारे में हम जानते हैं कि टर्शियरी आसानी से बन जाता है। यदि हम देखते हैं अभिक्रियाओं में कि सेकेंडरी द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है तो और प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, इसमें OH ग्रुप एक कार्बन से और हाइड्रोजन ग्रुप दूसरे कार्बन से प्राप्त होता है। पहले की भांति इसके अंदर एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड P2O5, सांद्रल सल्फ्यूरिक अम्ल या अन्य कंपाउंड की रिएक्शन के उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है। इस अभिक्रिया में मुख्यतः ये ध्यान देने की बात है कि टर्शरी आसानी से होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी मुश्किल से होता है। यानी कि प्राइमरी उत्पाद कम प्राप्त होता है, सेकेंडरी उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यह सब सेटजेफ रूल के नियमानुसार होता है। एल्कोहल के ऊपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अलग अलग ताप पर अलग अलग उत्पाद देता है, जैसे कि 100 डिग्री के ऊपर हाइड्रोजन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, 140 के ऊपर ईथर और 170 के ऊपर एल्कीन देता है। यदि हम एल्कोहल का हम देखें तो यह एल्कोहल से ईथर बनाने की एक अच्छी विधि है, इसको विलियम सिंथेसिस कहते हैं। और 170 डिग्री के ऊपर एक कार्बन से OH और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलकर एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कोहल से ईथर का बनना SN1 SN2 दोनों प्रकार से संपन्न होता है और यह न्यूक्लियोफिलिक की एक अच्छी विधि होती है। टर्शियरी एल्कोहल में SN1 होता है और प्राइमरी एल्कोहल में SN2 होता है। SN1 SN2 उनके पदों के क्रम के आधार पर किया जाता है। यदि हम एल्कोहल का अमोनीकरण करते हैं तो हमें एल्काइल अमीन प्राप्त होता है। यह जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर की जाती है।
यदि अल्कोहल का अपचयन करना है तो रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में करते हैं। इथेनॉल का अपचयन करने के ऊपर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया में एल्केन अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। यदि इथेनॉल का अकार्बनिक अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का साधारण ताप पर हम काम रिएक्शन करते हैं तो हमें एल्काइल साल्ट के लवण प्राप्त होते हैं, और ये एल्काइल साल्ट के लवण हमें अन्य विधि द्वारा शुद्धिकरण करने के कारण अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं।